नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के चलते शुक्रवार को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली रद्द हो गई है। दरअसल बारिश के चलते खराब मौसम की वजह से इस रैली को रद्द कर दिया गया। उत्तराखंड के चार जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ के लगभग 14 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 56 लोकेशन पर प्रधानमंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण होना था। बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस के कारण अभी राजनीतिक पार्टियों को बड़ी रैली और रोड शो करने की इजाजत नहीं है। अभी नेता सिर्फ डोर टू डोर प्रचार के लिए जा सकते हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर आज 4 फरवरी को पीएम मोदी की रैलियां प्रस्तावित थी, लेकिन खराब मौसम के चलते यह कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो गया और फिर से मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बारिश के चलते ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने के भी आसार हैं। बारिश और बर्फबारी की आशंकाओं को देखते हुए इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को गोरखपुर सीट से आज अपना नामांकन फाइल करने जा रहे हैं। गोरखपुर में खुशी की लहर है। लोगों का कहना है कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि योगी आदित्यनाथ यहां से नामांकन करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सीएम योगी आज नामांकन भर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक व हवन पूजन किया। वहीं गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी व सीएम योगी के नामांकन के बहाने आज भाजपा शक्ति प्रदर्शन कर रही है। राजस्थान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि प्रदेश में जब तक पार्टी सत्ता में वापस नहीं आती तब तक वह माला और साफा नहीं पहनेंगे और शाम का भोजन भी नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूनिया ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक 2023 में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को जड़ से निकाल कर उखाड़ नहीं दिया जाता और भाजपा की सरकार को प्रचंड बहुमत से नहीं बना देते तब तक माला नहीं पहनेंगे और साफा भी नहीं पहनेंगे, यहाँ तक कि शाम का भोजन भी नहीं करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि वे 2023 में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाएंगे। बता दें कि पूनिया चुनाव प्रचार के सिलसिले में पिछले 2 दिन से उत्तर प्रदेश में हैं। पुणे में यरवदा इलाके के शास्त्री नगर में बृहस्पतिवार रात एक निर्माणाधीन इमारत का एक स्लैब गिर गया, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और अन्य 3 घायल हो गए। पुलिस दल के एक अधिकारी ने बताया कि मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए अग्निशमन दल और पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि घटना इमारत के बेसमेंट में हुई। उन्होंने ये भी बताया कि घटना उस वक्त हुई जब मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। आज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में हुई इस घटना पर दुख जताया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ट्वीट किया गया कि पुणे में निर्माणाधीन इमारत में हुए हादसे से आहत हूँ, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूँ, इस हादसे में घायल हुए सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूँ। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र हनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों ईडी द्वारा पंजाब में कई जगह पर सर्च की गई थी। अवैध माइनिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पंजाब के लुधियाना, मोहाली, हरियाणा के पंचकुला में सर्च हुई। ईडी द्वारा पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र हनी के कई ठिकानों पर सर्च की गई। ईडी द्वारा भूपेंद्र सोनी को पूछताछ के लिए जालंधर ऑफिस में बुलाया गया था। लगभग 7-8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने भूपेंद्र हनी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इससे पहले भूपेंद्र सिंह हनी और उसके सहयोगियों के यहां मारे गए छापों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने भारी मात्रा में कीमती सामान और नकदी बरामद की थी। इस छापेमारी में ईडी को करीब 10 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली थी। इसके अलावा 21 लाख रुपए से अधिक का सोना और 12 लाख रुपए के रोलेक्स की घड़ी समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। राजधानी में कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए 4 फरवरी यानी आज शुक्रवार को होने वाली दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने और स्कूलों को फिर से खोलने पर चर्चा होने की उम्मीद है। बता दें कि दिल्ली में 13 जनवरी को कोरोना के 28,867 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद से संक्रमण के नए मामले घट रहे हैं। राजधानी में 14 जनवरी को संक्रमण की दर 30.6% पर पहुंच गई थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुक्रवार को होने वाली बैठक में नाइट कर्फ्यू हटाने, स्कूलों को फिर से खोलने के अलावा जिम और स्पा को खोलने की अनुमति देने समेत कई अन्य पाबंदियां हटाने पर चर्चा होने की संभावना है।
भाजपा के सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को अब फिर से एमएलए बनने के लाले पड़ गए हैं, जिस कारण वे दो सीटों से मतदान लड़ रहे हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि चन्नी चाहे 117 सीटों से लड़ रहे हैं, पंजाबी उनको हरा कर रहेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन करते हुए सिरसा ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस हाईकमान चन्नी को दो सीटों से लड़ाने का वही फार्मूला अपना रही है जो राहुल गांधी को लोकसभा मतदान में सीटों से लड़ाने का अपनाया गया था। परंतु हाईकमान यह भूल गई है कि यह पंजाबी हैं जो चन्नी को हरा कर उतारेंगे। वहीं राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए सिरसा ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान सुनील जाखड़ ने खुद ही बता दिया है कि उनको 42 विधायकों की हिमायत हासिल थी, परंतु फिर भी हाईकमान ने मुख्यमंत्री नहीं बताया, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को तानाशाह बनाकर चल रहा है और यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की उम्र 50 साल हो गई है, परंतु अभी तक उसकी अपनी कोई प्राप्ति नहीं है। वह सिर्फ गांधी नाम के सिर पर देश और दुनिया में विचर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में सिरसा ने यह भी कहा कि पंजाब में बेअदबियां सिर्फ मतदान का मुद्दा बना दी गई थी, परंतु जब अब भाजपा की सरकार राज्यों में आएगी तो बेअदबियों समेत सभी गुनाहों का हिसाब ले लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर गुरुवार शाम को हमला किया गया था। ओवैसी का दावा है कि हमलावरों ने 4 गोलियां चलाई थी। इस हमले में ओवैसी बाल बाल बच गए। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गोली चलाने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस का कहना है कि गोली चलाने के आरोपी सचिन और शुभम ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी ने वर्ष 2013-14 में राम मंदिर को लेकर बयान दिया था, जिससे वे आहत थे और इसी कारण उन्होंने ओवैसी के काफिले पर हमला किया। सचिन के पास से 9 mm का अवैध तवंचा भी बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस घटना की पूरी रिपोर्ट लोकसभा और चुनाव आयोग को भेज दी है। उन्होंने चुनाव आयोग से गुजारिश की है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच कराई जाए। देश में कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश में 24 घंटे में 1,47,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 2,45,000 लोग ठीक हुए, जबकि 1,071 लोगों की मौत हो गई। वहीं बीते बुधवार को 1,72,000 से ज्यादा केस मिले थे और पिछले कुछ दिन के मुकाबले 25,231 कम केस नए मिले हैं। फिलहाल देश में कुल एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 14,27,000 है। वहीं पिछले दिन के मुकाबले एक्टिव केस की संख्या में करीब 99,675 केसों की कमी हुई है। देश में महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 4,19,00,000 से अधिक संक्रमण की चपेट में आए हैं। देश में 4 करोड़ के करीब लोग महामारी से निजात पा चुके हैं। हालांकि कोरोना के कारण 5,00,000 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।